प्रिय बंधुओं, सच की ओर ले जाने की एक किस्त नई आपके सामने फिर मैं पेश कर रहा हूं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उद्दिष्ट त्याग जो होता है उसमें उसका अर्थ यह होता है कि साधु के निमित्त से बना हुआ भोजन उद्दिष्ट कहलाता है। हम जैसा भोजन करते हैं हमें वैसा ही भोजन करना चाहिए। साधु के लिए वह भोजन कभी नहीं देना चाहिए जो हम नहीं खाते हों। लेकिन यह दान चार प्रकार के होते हैं, आहार दान, औषध दान, उपकरण दान यानी ज्ञान दान, और इसके बाद औषध दान होता है। तो हमें आहार दान, अभय दान, औषध दान और उपकरण दान, इन चार दानों का निर्वाह होना चाहिए। जैसे अगर हम औषधि दान की पर जब ये घटित करेंगे तो यह बात घटित नहीं होती है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर साधु गर्म पानी भी लेता है तो वह उद्दिष्ट होगा, और यहाँ तक कि कहने लगते हैं अपने प्रवचनों के माध्यम से कुछ लोग जो चाहते हैं कि मुनि का पूरा समायोजन समाप्त हो जाए और मुनि इस सृष्टि पर ना रहे, सिर्फ टोपी वाले ही लोग रहे, तो वो टोपी वाले लोग कुछ ये चाहते हैं कि हमारे साधुओं का आहार प्रक्रिया कैसे बंद हो। यदि आहार प्रक्रिया उनकी बंद हो जाएगी तो साधु बनना बंद हो जाएंगे, और इस दृष्टि से वो उद्दिष्ट का अर्थ गलत निकाल करके हम सबके बीच में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं उद्दिष्ट का अर्थ, जहाँ तक कि कहा गया है उद्दिष्ट का अर्थ होता है उत धन दृष्ट, अर्थात उत का अर्थ होता है जहाँ पर किसी को समझाया जाए, बताया जाए। इंग्लिश में उसे लर्निंग शब्द आता है, समझा करके बता करके। तो हमारे नवकोड़ी से विशुद्धम भिकारेण भुंजदे भुंजम जायन रहीम योगम य रसम साहु सोदू, जो हमारे यहाँ आचार्यों ने उद्दिष्ट की परिभाषा दी है वह यह दी है कि जिसमें साधु नौ कोटि सुविशुद्धम भिक्खारेण भुंजदे भुंजम, नौ कोड़ी मन वचन काय कृतकारिता अनुमोदना से, यदि कोई व्यक्ति अपने आहार के लिए किसी को समझाता है, किसी को बताता है, तो वह उद्दिष्ट कहलाता है। लेकिन इन लोगों ने उद्दिष्ट का अर्थ कुछ और ही विकृत निकाल करके श्वेतांबर परंपरा से ला करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है, जिसका अर्थ यह होता है कि साधु के निमित्त से बना हुआ भोजन अगर कहते हैं तो जब औषधि दान में यह घटित नहीं होता है, उसका कारण यह है। इस पर आप लोगों को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि जब साधु बीमार होगा तब श्रावक को भी औषधि वह खाना पड़ेगी या पीना पड़ेगी, तब वह साधु को दे सकता है। और यदि साधु बीमार हुआ और औषधि श्रावक को नहीं लेना है तो वह श्रावक बीमार हो जाएगा, या फिर जब श्रावक बीमार होगा तब वह औषधि खुद के लिए बनाएगा फिर साधु को लिए देगा, तब ये घटित होगा। एक मैं आपके लिए बता दूं, मैं 13 साल तक मैंने दीक्षा नहीं ली, और उसका कारण सबसे पहला मेरे पास यही रहा कि मैं उद्दिष्ट की उलझन में उलझता रहा, और इन लोगों ने उद्दिष्ट की परिभाषा विकृत करके हर जगह प्रस्तुत की, और यह लगता था कि साधु के निमित्त से बना हुआ भोजन उद्दिष्ट होता है। तो इस अर्थ में हमारे सामने दो उदाहरण और सामने आते हैं। गन्ने के रस को दिया गया, तो क्या श्रेयांश राजा रोज गन्ने के रस को पीते थे? या 700 मुनियों की रक्षा के लिए जब रक्षाबंधन पर्व आया उस समय उनके लिए जो विशेष श्रावकों ने खीर का निर्माण किया था, जिसे सवैया की खीर कहते हैं, बीए की खीर कहते हैं, वह खीर बना करके साधुओं को दी थी क्योंकि उनके गले खराब हो चुके थे, तो क्या फिर वह अकंपनाचारी आदि 700 मुनियों ने उद्दिष्ट का ग्रहण किया? इस आधार पर यह बात आप सब लोगों को समझने की है कि उद्दिष्ट की हम लोगों के लिए खींच तान करके विकृत करके जो परिभाषा बताई जाती है, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है उद्दिष्ट का किसी को समझाना नहीं, किसी को बताना नहीं, किसी को अपने आहार के बारे में अनुमोदन नहीं करना मन वचन काय से। अब श्रावक किसके लिए बनाता है, क्या बनाता है, नाग बलि आदि दोष भी सामने आते हैं जिस दोष से साधु बचता है। और अगर श्रावक अपना स्वयं के, क्योंकि श्रावक के आश्रित दोष जो है वो दोष साधु को नहीं लग सकते हैं। साधु के लिए यदि श्रावक के गलती के दोष साधु को लगने लगे, यदि श्रावक और अपने नाग बलि नाग के बलि के लिए बनाता है
और वह कह देता है कि बलि के लिए है, तो ये श्रावक के लिए लगने वाला दोष है। इस दोष के लिए श्रावक साधु के मत्थे मरना यह अधा कर्म आदि दोष के अंतर्गत हमारी एक भूल बड़ी हो जाएगी। यतः हम ये कह सकते हैं कि साधुओं के लिए लगे हुए दोष साधु को लगेंगे और श्रावक के द्वारा लगे हुए दोष श्रावक को लगेंगे, इसलिए हम श्रावक के दोष को साधु के दोष पर नहीं मरना चाहिए, साधु के सिर पर नहीं मरना चाहिए, यह अन्याय ही होगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि हमारे जितने भी उद्दिष्ट की परिभाषा करने वाले जो टोपीधारी विद्वान हैं, उन टोपीधारी विद्वानों को पुनः एक बार उद्दिष्ट की परिभाषा पर विचार करना होगा और यह उद्दिष्ट की परिभाषा जो विकृत प्रस्तुत की गई है उसे सुधारने का प्रयास करें, ताकि साधु का मार्ग पंचम काल के अंत तक निर्वाध रूप से चल सके। यही भावना के साथ आपसे फिर मिलेंगे हम कल इसी वक्त पर।